नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। भाई आपके लिए आज एक ऐसी बाइक लेके आया हूँ और ऐसी लोकेशन पे लेके आया हूँ ना, आप देखो पहले लोकेशन देखो फिर बाइक दिखाएगी आपको। भाई आज लेके आया हूँ जावा की 42 क्लासिक। ये बाइक 293 लगभग 300 cc की बाइक है, ड्यूल साइलेंसर है और जो कि प्रोड्यूस करती है लगभग 27 PS की पावर और लगभग में 27.5 Nm का टॉर्क। जो एग्जैक्ट फिगर है वो मैं आपके वीडियो के अंदर डाल दूंगा। भाई मैं इस बाइक को राइड करके लेके आया हूँ, पिकअप वाइज भाई कोई तोड़ नहीं है इसका और डबल साइलेंसर बाइक है। तो भाई ये है जावा की 42 क्लासिक। जिनको नहीं पता भाई, जावा जो कंपनी है वो प्राग देश की कंपनी है। प्राग के अंदर चेकोस्लोवाकिया में 1929 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। फिर उसके बाद ये इंडियन मार्केट में बहुत जगह बिकी भी थी लगभग में लेट 80s 90s के अंदर। जावा के बहुत फैन फॉलोइंग रही है, बट आज की डेट के अंदर अगर देखा जाए तो भाई जावा ना फिर बंद कर दी गई। रीज़न ये था कि रॉयल एनफील्ड की बुलेट आ गई थी और उन्हें बुलेट को ज़्यादा चाहा, फिर जावा और एक यजदी भी कंपनी थी उसने भी भाई कमबैक किया है। बहुत ही जल्द यजदी की भी वीडियो आएगी। तो भाई बुलेट को आने के बाद मतलब इतनी ज़्यादा सेल्स हुई नहीं, फिर इनकी पर छोड़ के चले गए इंडिया को। 2018 के अंदर इन्होंने भाई कोलैब किया है महिंद्रा के साथ, करने के बाद इन्होंने भाई ये मोटरसाइकिल बनाई है। जिनको नहीं पता उनको मैं एक चीज़ और बता दूं कि महिंद्रा ने टू व्हीलर मार्केट के अंदर भी कदम रखा था। जो सेंट्यूरो करके गाड़ी थी तो उसके पास एक डिवीज़न था जो इस चीज़ को संभाले और भाई एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये महिंद्रा की ही बाइक है इनडायरेक्टली वे में। और 1929 के अंदर इसे चेकोस्लोवाकिया के अंदर भाई फाउंड किया गया था। फाउंडर का नाम मैं नीचे डाल दूंगा। क्या मैं दिखा देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता क्या क्या था, उसके बाद भाई इसकी शॉर्ट राइड और सारी चीज़ें डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। भाई सामने से अगर चालू करें, पहली बात तो एक चीज़ और बता दूँ भाई, इस बाइक के अंदर डबल स्टैंड नहीं मिलता है। दिखाता हूँ मैं कहाँ पे, यहाँ पे भाई कोई भी डबल स्टैंड नहीं है, तो भाई सिंगल पे ही खड़ी होगी ये। अब मैं सामने से लेके आता हूँ फिर बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ पे मिलता है भाई हैलोजन बल्ब, ऊपर कवरिंग लगा रखी है, ये भी जावा से ही लग के आई थी क्योंकि जो पुराना मॉडल था उसके अंदर नहीं आती थी। ये मडगार्ड मिल जाता है जो कि मेटल का है और ये ऊपर से इसको ग्रिप करने के लिए। USD सोकर जो मैंने पहले ड्यूक में भी दिखाए थे, USD सोकर मिल जाते हैं। जो डिस्क ब्रेक है वो बाइब्रे कंपनी की मिल जाती है और ये गाड़ी ड्यूल चैनल ABS के अंदर आती है। पावर फिगर मैं आपको बता ही चुका हूँ। और देखो भाई ये जो अलॉयज हैं यहाँ पे भी जावा ओरिजिनल क्लासिक लीजेंड्स सब कुछ लिखा हुआ है। और जो टायर प्रोफाइल है इस गाड़ी की वो मैं दिखा देता हूँ कि टायर प्रोफाइल क्या है इसकी। टायर प्रोफाइल है वो भाई 1918, तो भाई 18 इंच के अंदर इसको व्हील मिल जाता है फ्रंट वाला। और ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है भाई हैलोजन छोटा सा इंडिकेटर। ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो भाई पहले बता दूँ अगर थोड़ा सा अंदर टाइप में है तो गिरने के टूटने जो खतरा है ना वो नहीं होगा। फिर ऊपर आ जाते हैं भाई इस बाइक में तो यहाँ मिलता है भाई इसका मीटर, जो कि ऐसा लगता है कि आफ्टर मार्केट सेट किया हुआ है, जिसके अंदर भाई सुई ना यहाँ से चलती है, यूँ करके यूँ जाती है। ठीक है, ये कुछ इसका मीटर आ जाता है। यहाँ बैटरी, चेक इंजन, ABS, न्यूटन, हर चीज़ आ जाती है। ऊपर ओडो आ जाता है और ओडो को सेट करने का बटन यहाँ दे रखा है ये ट्रिप का। और चीज़ बता दूँ इसके अंदर तो भाई ये फ्यूल का मीटर है जिसके अंदर बता देगा 0 पे है, 1/4, 1/2 और बीच में जो देख रहे हो ना आप ना भाई 40 के बाद 50 यहाँ दे रखा है। मतलब क्या कारीगरी करिए, ऐसा लगता है जैसे कि आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है। देखते हैं भाई यहाँ पे आती है भाई जावा की ब्रांडिंग गुदी हुई। बाई ब्रेक है, डिस्क ब्रेक। अब हैंडल्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे किल स्विच और ये दे रखा है भाई इसका ट्रिप मीटर सेट करने के लिए। ऐसे करके ट्रिप मीटर सेट कर सकते हो, यहाँ पावर स्टार्ट करने के लिए बटन। और जो इसके शीशे हैं ये आफ्टर मार्केट नहीं है भाई, कंपनी से ही ऐसे आते हैं और स्टर्डी हैं, पूरा हिलते नहीं है, पूरा व्यू दे देते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा पीछे मोटा तगड़ा सा बैठ जाए ना तो व्यू देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर आ जाते हैं भाई इसके इस हैंडल पे, यहाँ पे पासिंग का बटन, आपको हाई बीम लो बीम इंडिकेटर और हॉर्न और एज इट इज ये वाला शीशा। बाकी ओवरऑल गाड़ी ऊपर से ऐसी दिखती है, ऐसा लग रहा है जैसे ये टंकी का ढक्कन यूँ घूम के ना खुलेगा, लेकिन ऐसे देखो यहाँ चाबी लगाने का दे रखा है। तो यहाँ पे भी भाई जावा मोटरसाइकिल, इन केस अगर आप भूल जाओगे आप कौन सी बाइक चला रहे तो यहाँ से देख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे 42 क्लासिक की भाई पूरी टेपिंग टाइप की बैजिंग ब्रांडिंग जो भी कह लो, मैट ब्लैक कलर में ये गाड़ी है। अब आ जाते हैं सीट पे भाई, सीट थोड़ी सी ना छोटी है, बैठ के भी दिखाऊंगा कितनी कंफर्टेबल है कितनी नहीं है। इधर आ जाते हैं भाई तो ये है इसका इंजन, आगे दे रखा है रेडिएटर जिसपे बैजिंग हो रखी है 1929 जब जावा मोटरसाइकिल फाउंड हुई थी।
आपका चेकोस्लोवाकिया के अंदर। इधर आ जाता है भाई आपका इंजन जो 293 लमसम में 300 सीसी का इंजन है। इधर जावा का फिर ब्रांडिंग 1929 ओरिजिनल, और फिर इधर फिर ब्रांडिंग दे रखी है। इधर दे रखा है चेन का सॉकेट, और यहाँ दे रखी है भाई जावा क्लासिक लेजेंड की फिर से ब्रांडिंग। 42 मॉडल है ये। यहाँ पे भाई कोई भी लेडीज गार्ड, साड़ी गार्ड तो दे रखा है लेकिन फुट पैक नहीं दे रखा है, जिसपे औरतें अगर बैठे तो पैर वैर रख लें। सिंगल यहाँ पे फुट पैक दे रखा है, फुट पैक की क्वालिटी भी अच्छी है। ड्यूल साइलेंसर है इसके अंदर, इधर भी साइलेंसर है और उधर भी साइलेंसर है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ भाई। पीछे की तरफ जो लाइनिंग आ रही थी टंकी से, वो यहाँ तक कंटिन्यू है। ये आपकी लाइट दे रखी है, और ये दे रखे हैं भाई इंडिकेटर्स। ये भी पूरा मेटल फ्रेम में है तो ऐसी बात नहीं है भाई। और यहाँ पे दे रखा छोटा सा रिफ्लेक्टर। ये हैं इसके भाई दो टिप वाले आपके एग्जॉस्ट, जिनसे साउंड जो आती है वो भी दिखाऊंगा अभी गाड़ी की मैं। और ओवरऑल भाई गाड़ी कुछ इस प्रकार की है। यहाँ ये पीछे की जो डिश दे रखी है वाइब्रे कंपनी की है ये भी, और जो इसका तेल है ना डिब्बी वो ऊपर दे रखी है, कईयों में यहाँ पे होती है। ये देखो एक चीज़ और मजे की दिखाता हूँ, यहाँ पे भी ना गोद गोद के जावा लिख रखा है, कहीं इन केस अगर भूल जाओगे आप जावा की जगह बुलेट चला रहे हो, फीलिंग कभी वैसी आ जाए तो समझ गए ना आप। फिर इधर देखो ये भी मूवेबल है, ये इसकी पिछली ब्रेक के लीवर दे रखे हैं, और यहाँ से दिखता है भाई कुछ इस प्रकार का इंजन भी। और नो डाउट ये क्रूजर मोटरसाइकिल की तरह मुझे लगती है, ये स्ट्रीट रेसर जिसे कह लो, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी एग्रेसिव। और यहाँ भाई रेडिएटर पे भी इसके दे रखा है एक रिफ्लेक्टर, ये दे रखा है मडगार्ड। और चाबी गाड़ी की इस गाड़ी में लगती है यहाँ पे, एवेंजर की तरह, एवेंजर में यहाँ लगती है वैसे, इसमें यहाँ लगती है ये ऑन ऑफ। तो ये भाई यहाँ पे कूलेंट डालने के लिए दे रखा है, लॉक करने के लिए यहाँ पे जगह दे रखी है, कूलेंट यहाँ से डलता है गाड़ी के अंदर। अब मैं दिखा देता हूँ इस पर राइट की सीटिंग पोजिशन क्या है इसकी। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं भाई, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे